तैयारी चालू है, रेडी होते हैं, गाड़ी निकालते हैं और फट से निकलना है अपने को दमन के लिए। पता है ना कहाँ पे आता है? अब भी निकलते हैं, थोड़ा हेलमेट रखता हूँ, गाड़ी निकाल लेता हूँ, फिर चलते हैं। गाइस, प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, लाइक 15 मार्च को अपनी गाड़ी आ गई है, तब से लेके अभी तो लग प्लान ही कर रहा हूँ कि कब निकले, क्या करे। फिर मैंने सोचा 1000 किलोमीटर पहले कंप्लीट कर ही लेते हैं, उसके बाद में निकलेंगे। तो आज फाइनली वो टाइम आ गया, वी वर प्लानिंग फॉर गोवा, लेकिन अगर समझो गोवा जाना है तो फिर ये धूप में यू नो हीट स्ट्रोक वीट स्ट्रोक लेके 4 से 5 जन ने बोला कि बाबा गोवा मत जा, नज़दीक ही कर ले। तो अभी गोवा से नज़दीक हम लोग सोच रहे हैं कि फिर एक काम करते हैं, दमन निकल लेते हैं, बीचेस तो वहाँ पे भी है। यहाँ से मुंबई से एक हार्डली 3-3.5 घंटे का रास्ता है, 3-3.5 घंटे के अंदर अंदर अगर हम वहाँ पे पहुँचते हैं, एक होटल शोटल तो मिल ही जाएगा, और उसके बाद में वहीं पे 2 से 3 दिन रह लेंगे, क्योंकि अपने को क्या है ना, मेनली फोटोशूट्स, कैमरागराफी एंड एज वेल एज ये देखना है कि कहाँ तक हम ये क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं आपके सामने। बाकी सब लोग तो ट्रायल एंड एरर करते ही रहते हैं, तो इस चक्कर में ये हुआ है कि गाड़ी बहुत दिन से सोच साच के फिर हम लोग ने रेडी किया है, तो अभी उसको यू नो लेग गार्ड लग गए, सैडल स्टे लग गया, टॉप रैक तो पहले से था, फिर कल ही जाके मैंने रूम के कुछ सैडल बैग्स ले लिए। अभी तक गाड़ी में लाइट्स वगैरह नहीं लगे हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड नहीं रखी है बाइक, जितना सिंपल यू नो ज़रूरत का जितना सामान है उतना ही है, और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। फिर एक 3-3.5 घंटे बाद में हम लोग रहेंगे दमन में, होटल बुकिंग कुछ नहीं है, ऐसे ही निकल जाने का, वहाँ पे जाके देख लेते हैं क्या है। ऑनलाइन अगर होटल के नाम ढूंढो खाली, ऑनलाइन डायरेक्ट जाओगे ना तो बहुत अच्छा वाला कंसेशन मिल जाएगा, मेरा तो ये सोच है, फिर भी जाके देखते हैं ना क्या होता है, क्योंकि अभी तो क्या है वेकेशन तो चालू हो गए हैं, तो बोल नहीं सकते, ये सीज़न भी हो सकता है उनके लिए। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ऑलराइट, चलो निकलते हैं। बहुत सारे काम थे करते करते फिर यहाँ पे पहुँचा हूँ, अभी बिबियाना के यहाँ खड़े हैं हम लोग, बिबियाना मॉल से। अभी टाइम हुआ है कुछ 12:15, तो 12:15 से अभी देखते दमन जाते जाते कितना टाइम लगेगा। घर से मैं निकला था यहीं 10:30 बजे के आसपास, तो टाइम बताना मैं आपको भूल गया, तो 10:30 बजे के करीब हम लोग निकले थे। फिर ये जो तामझाम होती है ना नए राइडर्स की, कुछ जगह पे नहीं होता, कैमरा रोल एक्शन इतना इजी नहीं है अपने को, है ना तो बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, फिर वो होंगी या नहीं होंगी सही, फिर कुछ ना कुछ मैं भूल जाता, तो वापस घर पे गया, चीज़ें उठा ली, करते करते अभी फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं। ये रास्ता खाली मिल गया ना तो बहुत प्यारा लगता है, यहाँ पे जो हमने रश देखी है, जो हमने गर्दी देखी है यहाँ पे, बाप रे बाप, ऐसा लगता है यार क्यों आया घोड़बंदर रोड से। ये लो भाई, ये है असली घोड़बंदर रोड, वो जो पहले दिखाई दिया ना अपने को, वो खाली मुखौटा था, ये असली वाली शक्ल देख लो भाई रुपये। यार ये क्यों ट्रैफिक होता है यार, इतना रोड बड़ा ही है। गाड़ी सर्विसिंग हो गई है तो पिकअप वगैरह बहुत इंस्टेंट हो गया है, बहुत ही इंस्टेंट है, और स्मूथनेस बढ़ गई है गाड़ी की, तो यू नो पहले भी मैं इस रूट पे होकर गया क्योंकि मुझे 1000 किलोमीटर फटाफट कंप्लीट करने थे,
लेकिन तभी मैं बहुत प्यार से चला रहा था। अभी ये 1000 के बाद जो सर्विसिंग, 1000 नहीं हुआ है, मैंने 850 पे ही मेरी सर्विसिंग, गाड़ी की सर्विसिंग करा ली, सॉरी मेरी सर्विसिंग, ये सूरज वाटर पार्क है यहाँ पर, ये एंट्रेंस है गोड़बंदर रोड। हाँ तो गाइस बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं हम लोग। मैं मैप्स वगैरह ऑन नहीं किया हूँ, आई वॉन्ट टू सेव माई फोन बैटरी एज वेल, और स्पीड थोड़ा कम कर दो, यहाँ पे विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। ओके अभी ये नॉर्मल है। तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत आराम से आज राइड हो रही है, हालांकि दोपहर का टाइम है। दिस इज़ द वर्स्ट टाइम एंड द वर्स्ट क्लाइमेट टू यू नो एंजॉय द राइड्स, बट ये हो रहा है कि यार आज नींद नहीं आ रही है। मतलब मैं वो झपकियाँ पपकियाँ जो पा लेता था वो बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे आज। ओके आई डोंट नो मैंने अलग क्या किया है। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हुआ, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई थिंक देयर वाज कपल ऑफ ब्रेड एंड बटर वाज माय ब्रेकफास्ट, नथिंग एल्स। आफ्टर दैट दोपहर के टाइम का खाना तो डेफिनेटली नहीं हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको बोला मैं खाली लिक्विड डाइट पे हूँ, तो देर इज़ नथिंग हैवी फूड विच आई हैव ईटन। तो ये तो मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन आई डोंट नो हाउ समहाउ आज नींद नहीं आ रही है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन क्या किया मैंने अलग से वो मुझे पता नहीं है। अच्छी बात तो ये कौन सा वाला है कार, जीप, खानीवड़े टोल प्लाजा, ठीक है। मैं वही बोला चारोटी इतना नज़दीक कैसे आ गया भाई, इतना नज़दीक तो नहीं आ सकता भाई, दबा दबा के उड़ी मार के जा रही है। ये ब्रू की पीक नाम से जो बैग आई है, नहीं सैरल बैग, मैंने कल ही लिया यार, इतना जबरदस्त फिटिंग करके दिया था बोलोगे ना, और इतनी क्यूट सी है। मेन थिंग तो ना आपकी वो बैग है ना, हैंडल के बाहर नहीं जा रही है। बहुत से लोगों के मैंने सुना है एक्सीडेंट हुए उसके बदौलत। ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ठीक है, ये देखो रेयर व्यू मिरर में आराम से एकदम चिटुकली मिटुकली बैठ गई है, हैंडल के बाहर नहीं जा रही है। हाँ जी, तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि अगर सैडल बैग आपके हैंडल के बाहर चली गई, तो आज ना कल आप पक्का फटने वाले हो। तो भाई चारोटी टोल प्लाजा, चारोटी टोल प्लाजा के हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। अरे इसका भी आवाज वैसे ही आ रहा है यार, लास्ट टाइम जैसा वो यहीं पे पता चला था मुझे, लास्ट टाइम भी ग्रगल हो रहा है, ग्रगल हो रहा है। ये क्या है, एरिया में भूत है क्या, सारे आवाज ग्रगल कर देता है यार। अभी कहीं तो रुकेंगे और फिर देख लेंगे, पता चला यार इसमें भी कुछ फायदा नहीं है। होटल तुलसी करके एक आया पीछे, तब याद आया यार इस होटल के बाद में अहूर आया था। तो रुक लेते हैं 2 मिनट के लिए, ऐसे भूख तो कुछ नहीं लगी है, लेकिन एक ब्रेक का ब्रेक भी हो जाएगा। और बनमस्का है यहाँ का, बनमस्का बोले तो बाबू खाना ही पड़े, खाना ही पड़ेगा। हाँ तो अभी गाड़ी कहाँ पर लगा है, हम लोग अहूरा पे, ये सारे राइडर्स को पता है ये जगह।
Simpan और मेड बी टेस्टेड रीजन ऑफ गुजरात. पता नहीं अपने आप से पेड़ बढ़ने लगते हो यार, यहाँ पर इतनी हरियाली. अभी अभी तो चलो यार धूप का टाइम है तो नहीं समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी एक अलग किस्म की ठंड है यहाँ पर. मतलब आई एम प्रिटी श्योर अगर इस छाव में मैं खड़ा रहता हूँ ना यहाँ पर. हाँ 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 समझ गया, एकदम कूल, वेरी वेरी कूल. तड़को गायब थी गए कलका इन लागलेस नहीं. ये नानी दमन की तरफ जा रहे होंगे. एकदम शांत रोड की क्वालिटी देखो, कोई नहीं है रोड पे, बेटर है ये वो ये सब ठीक है, लेकिन कोई नहीं है रोड पे. ये हार्डली देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक कार गई, आठ नौ दस ग्यारह बारह लोग दिखे मेरे को. 15 मिनट के बाद 12 लोग दिखे. हाँ 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 आगे से रोड है सर. आगे से रोड है ना सर. थैंक यू. की रोड का कुछ उद्घाटन है तो यहाँ पे आने वाले हैं मोदी जी, और ये सारे के सारे उनको देखने यहाँ पे आ रहे हैं शायद. और बहुत सारा जगह पे पुलिस बंदोबस्त है, बहुत ही जगहों पर. कितने बजे आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, भगवान को ही पता. लेकिन मोदी जी के बारे में हमने सुना था, मैं ये सोच के आया था कि वो जो बीच की तरफ का जो रास्ता है ना, उसका इनॉग्रेशन हो गया पब्लिक के लिए, ये मैं सोच कर आया था. यहाँ पर मोदी जी ने कर दिया होगा ये मैंने सोचा था. आज होने वाला है ये पता नहीं था, बट द थिंग इज कि आज होटल शोटल रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान को ही पता यार, मतलब भगा डालेंगे यहाँ से. और दबंग जजीरा के इकड़े बुकिंग है, जजीरा में रहने के लिए जाने वाला था, लेकिन अभी पता ही नहीं है आज का कुछ है करके फंक्शन यहाँ पे जाना. पूरा ब्लॉक है ना, मर गया. हाँ वो तो पता है, मुझे लगा उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया, मैं रोड का वीडियो बनाने आया तो काय का वो आ जा रहे हैं. और किधर नजदीक में, अभी एक दिन का तो बुकिंग जाएगा पूरा, अभी पूरा रात तक चलेगा, 8 बजे 9 बजे. अच्छा नहीं फिर सामान भी है तो उधर ही होटल कर लेता हूँ ना, बाहर की तरफ मिल जावे ना होटल. चले चलेगा, थैंक यू सर. चलो आंदा नहीं है. तो
का सीन ऐसा है कि मोदी सर आ रहे हैं और इसकी वजह से आपको दिख रहा है लोकल्स दमन में नहीं जा पा रहे, तो हम तो यार आउटसाइडर्स हैं, हमारा क्या ही होगा और कौन ही सुनेगा हमारी बात। तो और 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं मोदी जी आके, जो देवका बीच और बाकी का जो रोड है जो नया बना है, तो उसका आज इनॉग्रेशन है 25 तारीख। देखिए सारे के सारे लोग रुके हुए हैं, दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, जितना आपको दिख रहा है कि फिर मैं तो चला। हमें होटल वालों ने भी बोला है कि आप फिर किसी होटल में बैठ लो थोड़ी देर के लिए, खाना पीना खा लो और फिर आ जाना, आपको डिस्काउंट और कंसेशन भी मिल जाएंगे, आपकी बुकिंग भी हुई है तो उसमें से भी आपको पैसे एडजस्ट करके मिल जाएंगे। बस हुआ ना यार, मतलब इतना भी क्या टेंशन लेना है। बेल्टन के बराबर सामने पड़ता है बनियन रूट, अभी पता नहीं यहाँ पे पार्किंग कहाँ तलक है, बाइक यहाँ पे है, यहाँ पे पार्किंग है ना बाइक का। अच्छा गाड़ी सेफ तो रहेगा ना, ये सारी की सारी जो आपको गर्दी दिख रही है ना, ये अभी मोदी जी आए थे, देवका बीच के पास का रोड है जो मरीन लाइंस के जैसे दिखता है अपने मुंबई के, उसका इनॉग्रेशन था। ये हाल फिलहाल मैं डेल्टिन के सामने हूँ, आई वॉज एट द बनियन रूट्स खाना खाने के लिए। ये डेल्टिन है, स्काई हाई बार एंड ग्रिल, ओके। ये सारी जनता वहीं से आ रही है अभी हाल फिलहाल, मोदी जी आके गए यहाँ से, अभी जनता अपने घर को रिटर्न। मैंने एक रूम बुक किया है जो मुझे मिल नहीं रहा था हाल फिलहाल, लेकिन मिल गया है। और ये रहा आपका द बनियन रूट्स, जो भी है जैसा भी है अपना है। खाना बहुत अच्छा था, पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह अवेलेबल है, और अभी रात के टाइम पे अंधेरे में ना बहुत सारे कस्टमर्स हैं। आई डोंट वांट टू स्पॉइल समवनस प्राइवेसी, सो मैं अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ आपको। अच्छा थे यहाँ पे हमारी गाड़ी संभालने के लिए, चाचा हाई करो, चाचा चाचा हाई कर रहे हो, सी दिख भी नहीं रहे हो, हाँ दिख गए भाई दिख गए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे से अपनी गाड़ी निकालनी थी, चाचा के पास अपना हेलमेट है, हेलमेट निकालनी है, प्लास्टिक अपना मैं कैरी कर रहा हूँ, जो भी था पानी का बॉटल था, स्प्राइट का बॉटल था, ये जो भी है कैरी करेंगे, अपने रूम पे जाके उसको डिस्कार्ड करेंगे। पब्लिक अभी भी खुश है यार, बहुत खुश है, रोड ओपनिंग हो गई, कल सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा रोड आपको दिखा दूंगा मैं, ताज़ा ताज़ा रोड दिखेगी आपको, ओके। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं और हमें ये रूम नंबर 111 मिला है, विच इज़ अ सिंगल रूम, टीवी है, वार्डरोब है, और बेड है, ओके। तो ठीक है मतलब, और या थर्ड बस हो गया ना, अच्छा खासा है यार, ठीक हो जाता दमन में। पहुंच गए आफ्टर ऑल, ओके।